नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। दोस्तों, व्हाट्सएप हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग जिसका यूज हम रोज करते हैं, लेकिन आज तक आपने व्हाट्सएप पर सिर्फ ऑर्डिनरी यूज किया होगा, सामान्य यूज। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ व्हाट्सएप पर तीन ऐसी ट्रिक्स जो आपको व्हाट्सएप का बाप बना देगी, क्योंकि व्हाट्सएप में काफ़ी ऐसे हिडन फीचर है जो आम लोगों की पहुंच में अभी तक नहीं आए हैं। तो आज का वीडियो हमारे इसी विषय पर है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको वो तीन ट्रिक्स जो आपके व्हाट्सएप के एक्सपीरियंस को कुछ अलग ही कर देगी। और जो व्यूअर्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़ोर से लाइक बटन भी दबा दीजिए, और हो सके तो चैनल में कमेंट्स भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि किस तरह से अपने चैटिंग को एक्स्ट्रा बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाय हेलो देखा है, लिखा है, उसमें हम हाय हेलो ऑर्डिनरी नहीं लेकिन कैसे स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। लिखने में सबसे पहले स्टार और उसके बाद आपको लेटर लिखना है, जैसे हेलो, अब फिर से स्टार कर दीजिए और सेंड कर दीजिए, तो ये बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा। दूसरा है अंडरलाइन करके आप लेटर टाइप कर सकते हैं, और फिर अंडरलाइन करनी है तो ये इटालिक में लिखा जाएगा, थोड़े तिरछे। और एक और ट्रिक है, जैसे आप जाएंगे टूल्स में, वहाँ पर जैसे ये इस प्रकार का एक निशान है, वो लगाकर आप लिख सकते हैं, और उसके बाद वो जैसे आंकड़ा होता है ना ऐसा, और उसको लिखेंगे दोनों ओर तो ये बीच में लाइन आ जाएगी, तो ये आपके राइटिंग को और बढ़ा देगा। दूसरी ट्रिक कि आपने जो लिखा है वो ब्लू टिक भी ना हो और आपने पढ़ लिया है, उसके लिए आपको प्लेन मोड ऑन करना होगा, फिर आप किसी की चैट देख सकते हैं और पूरा पढ़ लेंगे, और फिर जाकर प्लेन मोड को ऑफ कर देंगे तो ब्लू टिक भी नहीं होगा और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। और तीसरी बात है, किस तरह से आप फेक चैट बनाकर दूसरों को दिखा सकते हैं, कभी कभार अपने दोस्तों में इंप्रेशन झाड़ने के लिए कि तेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे आई लव यू बताया है, ऐसा दिखाने के लिए आप डुप्लीकेट और फेक चैट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक फेक चैट एप्लीकेशन हमने ऑन की है, उसमें सबसे पहले आपको नाम लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जिसका भी फेक चैट बनाते हैं, और उसके बाद उसको हमें टाइपिंग में ऑन कर देना है। उसकी फ़ोटो भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं प्रोफाइल फ़ोटो से, और उसको ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, और उसका टाइपिंग भी ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, और फिर आप जैसे कि यहाँ पर मैंने धानी के नाम से एक बनाया है, वैसे ये डुप्लीकेट है, उसमें मैंने एक लड़की की जगह एक कुत्ते का फ़ोटो लगा दिया है, आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं जिससे रिलेटेड हैं। और फिर जब आप टाइप करेंगे तो आपका टाइप होगा, दूसरी बार जब आप टाइप करेंगे और नीचे यहाँ ग्रीन दिख रहा है वहाँ से टाइप करेंगे तो वो लिखेगी हाई, ऐसा आप ही लिखेंगे लेकिन लग रहा है ऐसा है कि सामने की ओर से टाइपिंग हो रहा है। और जैसे यहाँ मैंने आप देख रहे हैं कि हाई लिखा है, उसने भी हाई जवाब दिया है, मैंने यहाँ आई लव यू लिख दिया, और फिर अपनी ओर से जो ग्रीन है सेंड उसको किया तो वहाँ उसने भी हाई आई लव यू किया, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरी एक फेक चैट तैयार की जा सकती है, जो भी आप अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी तीन महत्वपूर्ण ट्रिक थी, इससे आप और भी कोई काम निकलवा सकते हैं और उसका पूरा स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए।